गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीई एजुहब ऑनलाइन क्लासेज। क्लास 12 सब्जेक्ट जूलॉजी, चैप्टर 24 टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसमें टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रुधिर का संगठन। रुधिर जो होता है वो कौन कौन से भागों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मानव के अंदर रुधिर है वो कितना होता है, रुधिर का जो आयतन है, रुधिर का आयतन लगभग 5 लीटर, लगभग कितना होता है, 5 लीटर होता है। यदि मानव जो है उसके भार के अकॉर्डिंग इसको देखें, भार के अकॉर्डिंग, तो शरीर के कुल भार का, शरीर के कुल भार का ये कितना परसेंट होता है, ये होता है 7 से 8%। 7 से 8% जो किसी व्यक्ति का जो भार है, यदि वो 100 kg है तो इसका 7 से 8% इसमें रुधिर पाया जाता है, यानी कि 7 kg से 8 kg। वैसे नॉर्मल वे में बात करें तो रुधिर का आयतन लगभग कितना होता है, 5 लीटर होता है। संगठन में दो मुख्य भाग पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा, और सेकंड जो है वो ब्लड कॉर्प सेल्स। रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा हो गया, रुधिर कणिकाएं, दो भागों में इसको बांटा गया है। अब इसका चार्ट के अंदर इसको कंप्लीट समझेंगे, किस किस से मिलकर बना होता है और रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, वो भी आगे चलकर कितने भागों में डिवाइड रहती हैं। तो इसका फ्लो चार्ट है, उसके अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। तो देखें, रुधिर ब्लड, सबसे पहले रुधिर को दो भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा, दूसरा भाग जो है इसका वो ब्लड कॉर्प सेल्स, रुधिर कणिकाएं। ब्लड कॉर्प सेल्स, रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा जो है वो कंप्लीट रुधिर का, रुधिर जितना पाया जाता है उसका 55% भाग होता है, यानी कि रुधिर का 55% भाग कौन बनाता है, प्लाज्मा बनाता है, और शेष 45% भाग जो है वो रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो बनाती हैं। रुधिर कणिकाएं जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी जो है लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनको बोलते हैं बिंबाणु। लाल रक्त कणिकाओं की जगह इन्हें रक्ताणु भी कह सकते हैं, डब्ल्यूबीसी को श्वेताणु। इनके अलावा भी इनको और नाम है जिनसे बोला जा सकता है। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं इनको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट कहा जा सकता है। डब्ल्यूबीसी या श्वेताणु जो होते हैं उनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ल्यूकोसाइट।
और डिम्बाणु प्लेटलेट्स जो है उनको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अब WBC जो है इसको भी आगे चलकर दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट वाला जो भाग है वो कणिका में, कणिका में WBC ग्रेन्यूलोसाइट, ग्रेन्यूलोसाइट। दूसरा है अकणिका में, इसको बोल सकते हैं नॉन ग्रेन्यूलोसाइट, यानी कि WBC है जिन कणिका में है ग्रेन्यूलोसाइट, और जिनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती उनको नॉन ग्रेन्यूलोसाइट। अब यहां से ग्रेन्यूलोसाइट जो है उसको भी बांटा गया है तीन भागों में, इसको बांट सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। सेकंड जो होता है उसको बेसोफिल, और थर्ड जो होता है इसे इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। तीन पार्ट हुए इसके। इसके बाद कणिका में या नॉन ग्रेन्यूलोसाइट होता है जिसको भी दो भागों में बांटा गया है, इसको फर्स्ट जो है वो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट इनको लसीकाओं भी कहते हैं, और सेकंड जो है वो मोनोसाइट, अब इनमें से जो लिम्फोसाइट होती है लसीकाओं जो है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, बिलिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। दो भाग हैं बिलिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इसमें दोबारा से देख सकते हैं कंप्लीट, यहां पर रुधिर का जो संगठन है उसको दो भाग हैं, प्लाज्मा जो कि रुधिर का 55% भाग बनाता है, और रुधिर कणिकाएं हैं जो 45% भाग बनाता है। बाकी इनके पार्ट्स जो है, रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, WBC जो है वो दो प्रकार की होती है, कणिका में ग्रेनुलोसाइट जो WBC है वो तीन प्रकार की है, और अकणिका में नॉन ग्रेनुलोसाइट जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। उसमें भी लिम्फोसाइट या लसीकाणु जो है वो दो प्रकार की होती है, बीटा लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब यहां पर थोड़ा सा देखें प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा जो है वो रुधिर का कितना परसेंट भाग है, 55% भाग बनाती है। इस 55% भाग में 99% जल होता है। इसमें 99% क्या होता है, जल, सॉरी 90% जल होता है। इसके अलावा 10% जो बचा उसमें दो भाग होते हैं, एक कार्बनिक भाग होता है और एक होता है अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक जो है वो 99.1% और 0.9% होता है अकार्बनिक भाग। रुधिर के अंदर जो आधात्री होती है या मैट्रिक्स, उसका निर्माण करती है प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त की आधात्री या मैट्रिक्स है, या बोल सकते हैं ये आधात्री मैट्रिक्स का निर्माण करती है। मैट्रिक्स जो है ये क्षारीय होती है, ऐसी होती है क्षारीय। इसका रंग जो है वो हल्का पीला रहता है, हल्का
पीला रंग है। इसमें हल्का पीला जो होता है रंग, ये वर्णक के कारण होता है। इसमें ऐसे वर्णक पाए जाते हैं जो इसको हल्के पीले रंग का दिखाते हैं। वो वर्णक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक कैरोटीन होता है और दूसरा जो होता है वो बिलीरुबिन होता है। बिलीरुबिन, इन दोनों वर्णकों के कारण प्लाज्मा जो है उसका रंग हल्का पीला होता है। इस प्रकार से रुधिर का जो संगठन है उसमें दो भाग पाए जाते हैं और कंप्लीट संगठन को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने यहाँ देखा, जिसमें प्लाज्मा जो है उसका अध्ययन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ब्लड कॉर्पसल्स जो पाई जाती है, रक्त रुधिर कणिकाएं जो होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।